हेलो स्टूडेंट, सतंदर प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये आज नया टॉपिक लेके आया है डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर क्या है, इसका उपयोग क्या है। डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा हम लोग किसी भी ब्लाइंड हॉल, स्लॉट या ग्रुप का गहराई या उसका गहराई या उसको चेक करने के लिए उपयोग क्या है, इस चीज के लिए ब्लाइंड हॉल स्लॉट और ग्रुप्स को चेक करने के लिए क्या जाता है या इसका डायमेंशन लेने के लिए। तो पिछले क्लास में हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ लिए थे। आज डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में जानेंगे। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये डेप्थ माइक्रोमीटर है। क्या है ये? डेप्थ माइक्रोमीटर। इसका भाग जो है ये कहलाता है बेस या स्टॉक, जो भी बोल सकते हैं इसको, अक्सर बेस है ये। किसी भी जॉब का या कंपोनेंट का गहराई मेजरमेंट करने के लिए इसके ऊपर इसको रखा जाता है। ये जो है ये लॉक स्क्रू है, ये स्लेब है जो कि स्लेब में ग्रेजुएशन है, और ये जो है थिम्बल है जो थिम्बल के बेवल एच पे एच को 50 बराबर भागों में बांटा गया है, जो कि दिखाई पड़ता होगा आप लोगों को। और ये जो है रिचेट स्टॉप है। जब डायमेंशन किसी भी गहराई का पूरा हो जाता है कि कितना तक लास्ट तक चला जाता है तो ये टिक 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 करके आवाज करने लगता है, उसके बाद इसको लॉक कर देते हैं। इसका लिस्ट काउंट जो होता है, इसका लिस्ट काउंट सूक्ष्म से सूक्ष्म माप जो ले सकते हैं हम लोग, मेट्रिक प्रणाली में 0.01 mm और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच कम से कम डायमेंशन हम लोग ले सकते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर में भी लिस्ट काउंट इतने होता है। अंतर सिर्फ इस ये है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में स्लेब पर जो ग्रेजुएशन होता है मेरा, ग्रेजुएशन तो सेम है, 1 mm है, जो इसको मेन स्केल बोला जाता है, 1 mm को डिवाइड किया गया है जो कि 0.5 का एक एक घर का वैल्यू है, जो उसको सब डिवीजन बोला जाता है। और ये जो है लिस्ट काउंट बेवेल एज पे जो है थिम्बल पर जो 50 भागों में दिया बांटा गया है उसका एक भाग ही सूक्ष्म माप को दर्शाता है, इसी से मेजरमेंट को सूक्ष्म माप में लिया जाता है। तो इसमें सिर्फ अंतर ये है कि इसका ग्रेजुएशन जो है, ये ग्रेजुएशन जो है इसका आउटसाइड माइक्रोमीटर में लेफ्ट से राइट के तरफ लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ शुरू से जो है लेफ्ट से शुरू करेंगे तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 20, 25। और डेप्थ माइक्रोमीटर में जस्ट उसके अपोजिट, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ होता है। जैसे 0, 5, 10, 15,
2025। तो इसका लिस्ट काउंट भी साधारण माइक्रोमीटर के तरह ही निकाला जाता है। डेप्थ माइक्रोमीटर में मेजरमेंट लेने के लिए डेप्थ रॉड का उपयोग किया जाता है। डेप्थ रॉड 6 के सेट में आते हैं। तो पहला सेट जो है वो सेट जो है से 0 से 25 एम एम, 25 से 50 एम एम, 50 से 100 एम एम, सॉरी 75 एम एम, 75 एम एम से 100 एम एम, और 100 एम एम से 125 एम एम, 125 एम एम से 150 एम एम, 1 2 3 4 5 6 ये 6 सेट में डेप्थ रॉड का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी भी ग्रुप या स्लॉट का या किसी भी जॉब का अगर हमको डायमेंशन लेना है तो कैसे हम डायमेंशन लेंगे? जैसे ये जो है मेरा, देखिए ये जो है 25 एम एम का है, 25 एम एम का डेप्थ राउंड है, ये 50 एम एम का है, ये 75 एम एम का है, ये 100 एम एम का है और ये 150 एम एम का है। तो सारे में जो है देखिए 25 एम एम का अंतर है। ये अगर इसको देखा जाए तो ये 25 एम एम का अंतर आता है। देखिए ये सेट में उपलब्ध है, देखिए सारे में जो है 25 एम एम का अंतर है। अगर किसी भी जॉब का अगर हमको डायमेंशन लेना है तो सबसे पहले ये पूर्णते जो है प्रेस देके इसको बंद कर दिए, उसके बाद डेप्थ रॉड में एक तरफ एक साइड गोल नुमा रहता है जिससे कि डायमेंशन को उठाया जाता है, एक तरफ फ्लैट साइड टाइप का रहता है जिसमें से हल्का सा कटा हुआ रहता है जो इसके स्पेंडल में जाके फंस जाते हैं। जैसे ये है, इसको इसमें डालिएगा तो ये फंस जाएगा, ये फंस गया, ये गिरेगा नहीं। अब इससे हमको अगर डायमेंशन लेना है तो ये 25 एम एम खुला हुआ, तो डायमेंशन लेने के लिए सबसे पहले माइक्रोमीटर डेप्थ माइक्रोमीटर को पूर्णतः जो है उसको बेस के लेवल पे लाना पड़ेगा, जो ये बेस है। देखिए ये जो दिखाई पड़ रहा है ये पूर्णतः मेरा खुल गया, ये खुल गया 25 एम एम, और ये जो दिखाई पड़ रहा है जो अंदर गया ये पूर्णतः बेस के बराबर है, ये बेस के बराबर है। अगर बेस के बराबर ये नहीं रहता तो माइक्रोमीटर एक साइड उठता, ये बेस के बराबर है यानी पूर्णतः ये खुला हुआ। अगर हमको डायमेंशन लेना है तो जैसे इस जॉब की गहराई को चेक करना है इसको इस पे रखिए, उसके बाद इसको प्रेस दीजिए, प्रेस देने के बाद ये धीरे धीरे ग्रुप के अंदर इसका स्पिंडल डेप्थ रॉड जाएगा, जा रहा है। देखिए देखिए ये मेरा चला गया, यहां जाने के बाद ये टिक टिक करके आवाज करने लगेगा, देखिए
यानी ये मेरा चला गया, उसके बाद इसको लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद ये मेरा अब आगे नहीं, उसके बाद हम डायमेंशन को उठाएंगे। तो डायमेंशन को जब उठाएंगे, डायमेंशन मेजरमेंट देखेंगे तो ये कितना है। तो ये अभी जो है पहले, सबसे पहले हम मेन डिवीजन को देखेंगे। मेन डिवीजन जो है मेरा ये सोलह एमएम खुला हुआ है। मेन डिवीजन कितना हो गया मेरा 16। तो सबसे पहले डायमेंशन लेने के लिए माइक्रोमीटर को देखना पड़ेगा। तो माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का एक मेन डिवीजन कितना होता है 1 mm, और एक सब डिवीजन कितना होता है 0.5 mm, और एक थिंबल डिवीजन कितना होता है, जो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म माप देता है, कितना होता है 0.01 mm। लास्ट में थिंबल डिवीजन को लेंगे। तो यहां पर मेरा मेन जो है ये 16 mm आ रहा है। 16 mm क्या आया, मेन डिवीजन। और एक मेन डिवीजन का वैल्यू मेरा 1 mm, इसको गुणा कर देंगे तो 16 mm आ गया। उसके बाद देखेंगे कि मेरा सब डिवीजन कितना गया है। तो सब डिवीजन जो है एक पार किया है, तो एक सब डिवीजन जो है मेरा पार किया है। तो एक सब डिवीजन का वैल्यू कितना है 0.5। एक ही सब डिवीजन आए तो 1 × 0.5 mm। अब देखेंगे लास्ट में हम थिंबल डिवीजन। थिंबल डिवीजन देखने के लिए ये जो है देखेंगे कौन सा लाइन मेरा टच कर रहा है। तो यहां पर दिखाई पड़ता होगा थिंबल का जो 20वां भाग है वो डॉटम लाइन जो बीच में जो स्लेब पे दिया गया है उससे वो टेली कर रहा है। तो 20 है मेरा थिंबल डिवीजन। थिंबल डिवीजन कितना है मेरा 20। तो थिंबल डिवीजन मेरा 20 है। तो थिंबल डिवीजन अगर 20 है तो, और एक थिंबल डिवीजन, एक घर का वैल्यू मेरा कितना है जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, .20। अगर इसको हम जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 16.70 mm। यानी इस स्लॉट का गहराई कितना है मेरा 16.70 mm। उसी अनुपात से अगर हमको, तो ये डेप्थ राउट जो है मेरा कितना तक का डायमेंशन देगा 25 mm तक का। अगर ज्यादा गहराई का किसी भी ग्रुप को चेक करना हो और उसका अगर मेजरमेंट लेना हो तो हम उससे बड़ा का यूज करेंगे। जैसे ये जो लिए हम, तो इसका अगर हम यूज करेंगे तो ये जो है 100 mm का है। तो 100 mm का है, जब 100 mm को इसको हम पूर्णतः टाइट कर देंगे तब ये मेरा 100 mm निकल के रहा। ये मेरा, ये अब 100 mm है। ये मेरा अभी कितना दर्शा रहा है 100 mm। तो इसी अनुसार से 100 mm और 25 mm ये जो है मेरा, ये 100 mm है और 25 mm का ही डायमेंशन देता है। तो इसी अनुपात से 100 mm तक
85 लीजिए, 95 लीजिए, जो भी लीजिएगा उससे डायमेंशन ये निकल के आ जाएगा। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में दूसरा टॉपिक लेके फिर आएंगे। तब के लिए धन्यवाद।